सालन हमारा तैयार है। सुनिए देखना गरम है। ये देखें जी दम वगैरह दे दिया दाल को माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत बेनता करम और बेनता फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बारिश के बाद देखें जी माशाल्लाह बागीचों को किससे चार चांद लगे। और ये देखें बारिश जो है ना आज भी बताई हुई है 1 बजे के टाइम पे। जुमे का दिन है, जुमा मुबारक जी सबको। फूल दोपहर भी ज़रा सी धूप निकली है तो खिल चुका है। यहाँ सामने भी आज जो है ना ये 3 सफ़ेद फूल इकट्ठे हमारी बहन हमारी है जो है ना हमारी बहन है या भाई हैं वो कमेंट में मुझे सही लफ्ज़ बताते रहते हैं। तो टेबल हमने बाहर निकाला हुआ है, सोनिया आज बना रही है जी एक हमारी फेवरेट दाल। और यकीन माने होटल का काम मैं करता रहा हूँ लेकिन ये दाल ना सोनिया बड़े मज़े की बनाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। आज बना रहे हैं जी माश की दाल, खड़ी खड़ी माश की दाल जैसे होटलों पर बनती है। जिनको मेरे हाथ की दाल पसंद है तो कहते हैं सोनिया आप बना लो, तो मैंने बोला कोई मसला नहीं है मैं और साथ साथ इनके लिए जो है ना रोटी भी बनाऊंगी। इन्होंने सुबह नाश्ता नहीं किया, कह रहे हैं कि मुझे, फिर मैंने बोला ऊपर ही दाल उतार के साथ आपके लिए रोटी बना लूंगी। जुमा मुबारक, जुमे का टाइम है, फिर जाएंगे जी नमाज को। सच बताऊँ तो अभी अभी हमने नाश्ता किया, मुझे तो नहीं लग रही भूख। हाँ जन्नत भी भूखी हो रही है, जन्नत को भी लग रही है। मेरा लाल आटा जो था ना वो 2 दिन से ख़त्म था। परसों मैंने बच्चे को भेजा था, वो लाल की जगह फिर सफ़ेद लेके आ गया। वो मैं पहचान ही नहीं सके लाल है या सफ़ेद। पकने के टाइम आपको बोल दिया था। सोनिया ने तो कहा था पकने के बाद, मुझे लगा कि ये वाकई में जो है ना गरम मसाला शामिल जी, थोड़ा सा गरम मसाला है जी, पीसा नहीं है, साबुत ही शामिल करूंगी। अच्छा लहसुन का तड़का लग रहा है जी। जी अच्छा जी, ये दाल जो है ना सबको पसंद है, मुझे पसंद है, इनको हसन को, सिर्फ मेरे बेटे हुसैन को नहीं पसंद। उसको वो कह रहे माश की दाल, चने की दाल बना लेते, मूंग की दाल बना लेते, लेकिन ये नहीं बनाते। मैंने रात को, हमारे पास चने की दाल थी कल वाली और कुछ पड़ोस से सालन आया था चने का, तो मैंने रात को दोनों मिक्स करके बिरयानी बना ली थी। वो बिरयानी का नाश्ता मैंने सुबह भी किया है, मसाले ज्यादा तेज नहीं रखे, वो पड़ी हुई है, वो हुसैन खा लेगा जी। यहाँ कुछ दिन में हमारे अपने घर के करेले होने लग जाएंगे। ये देखे माशाल्लाह करेले का पौधा। घर का मसाला है, घर का मसाला है, कश्मीरी मिर्च नमक हसबे जाएगा। अच्छा धनिया कुछ शार्ट हुआ है, अगर कहीं मिल रहा भी है ना तो काफी महंगा मिल रहा है। हाँ जी, अब तो आपको पता है लहसुन अदरक भी और धनिया हरी मिर्च ये थोड़ी सी महंगी भी होगी, और क्योंकि आगे तो आपको पता है कुर्बानी के, वो उसमें ज्यादातर ये चीजें जो यूज होंगी ना वो उसके रेट भी थोड़े से। हाँ मेरे ख्याल है सऊदीया में ना नजर आ गया है उसका जिलहज का चांद, वो अब जो है सबको मुबारक हो जी। अल्लाह ताला हमें भी, अल्लाह पाक हम सब की जो कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह पाक उनकी कुर्बानियां कबूल फरमाए, और जो नहीं कर सकते अल्लाह पाक उनको भी तौफीक दे कि वो भी माली मामले में कमज़ोर हैं तो अल्लाह पाक खुशहाली दे, माशी खुशहाली, ताकि वो भी ये मामला कर सकें। अगर कोई किसी और वजह से नहीं कर रहा तो अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए। ये जो है ना अगर आपके पास साहिब हैसियत हो तो ये लाजमी, ये जो चीज़ें हैं ना ये लाजमी करनी चाहिए, और अल्लाह पाक ये तौफीक भी दे कि हम लोग कुर्बानी करके कुछ हिस्सा गरीबों में जो जो हिस्से रखे हुए हैं वो बांटें भी। अक्सर हमारे अपने फ्रिज भर जाते हैं तो ये उसकी तनकीद की बात नहीं, हकीकत बात है। माशरे में जो कुछ देखता है ये रुझान आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है ना अरूज पकड़ता जा रहा है। कोशिश यही होती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए बचा लें। तो आप किसी के घर गोश्त भेजते हैं, मैं यहाँ थोड़ा पानी ला दें, मिसाल दूँ ना, कोई मेरे घर गोश्त भेजेगा तो मैं ही उसके घर गोश्त भेजूँगा, ये सब सिस्टम भी चल गया है।
अच्छा, जुमे के दिन जी हमारी 100% हर जुमे को यही कोशिश होती है और यही रूटीन होती है कि हम लोग ना रोटी खा के फिर जाएं नमाज के लिए, तो पेट भर जाता है, फिर आदमी को कोई जल्दी या वो नहीं होती। अक्सर औकात जो है ना, अगर भूख लग जाए नमाज के टाइम तो फिर वही ख्याल आते रहते हैं, फटाफट नमाज ख़त्म हो जाके रोटी खाऊं, क्योंकि रोटी जो है ना हम लोग को सबसे प्यारी है। आप जिस मस्जिद में जाते हैं वहाँ तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। वहाँ ज़रा फिर उसके बाद ना सलातो सलाम वगैरह पढ़ते हैं नमाज के बाद, तो 15-20 मिनट उसमें भी लग ही जाते हैं। चलें जी, सोनिया भी दाल शामिल करने वाली है। मिर्ची भी डाल दो ना, थोड़ी पक जाए, दम दोगी ना? जी दम पे रखती हूँ ना, फिर पेड़े मैंने बना लिए। हाँ, ये मिर्ची भी डाल दो जी, साथ जो है ना आपके लिए और जन्नत के लिए रोटी भी बना लूंगी। वो मुझे नीचे भी बोल रही थी, मैंने बोला नीचे जाके फिर। चलें जी, रोटियां भी बनना शुरू हो गई, सालन हमारा तैयार है। सोनिए देखना गरम है, ये देखें जी दम वगैरह दे दिया दाल को माशाल्लाह से, बड़ी जबरदस्त दाल होती है इसमें। एक बस यही कारागरी है, आप दाल को टूटने ना दें, दाल गली जरूर होनी चाहिए लेकिन टूटे नहीं, तो थोड़ा सा आप दम देंगे दाल मुकम्मल तौर पर नरम हो जाएगी। मुझे लगता है ये वाला लाल आटा है। हाँ, लाल आटा है ये जी। चले जी, ये आखिरी रोटी रहेगी, ये दो रोटी बन चुकी, तीन ही रोटी बनाएंगे क्योंकि सोनिया नहीं खाएगी मेरा ख्याल है। नहीं, अभी मैं नहीं खाऊंगी, मैं बाद में, अगर बच्चे ने खाना होगा, भूख लगी तो उनको बना। हसन हुसैन ने लेट नाश्ता किया तो सोनिया ने भी उनके साथ थोड़ा सा खाना खा लिया था, बाकी मैं तो जाऊंगा जी ये खा के रोटी नमाज पढ़ने। हसन हुसैन आज मुश्किल है, अगर वो स्कूल गए होते ना फिर वो आके पहले खाना खाते फिर जाते नमाज पढ़ने, अभी वो मुझे नहीं लगता खाएंगे। नहीं, क्योंकि वापसी आके वो खा लेंगे। आपने नाश्ता नहीं किया, जन्नत भी स्कूल से आई, उसने भी नाश्ता नहीं किया, बस आपके लिए बहुत है ना ये रोटी, तो उनके लिए दूसरा आटा गूंदा हुआ, वो ये सफ़ेद रोटी लाल आटा नहीं खाते जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना तैयार हो गया और हम लोग नीचे आ चुके हैं और खाना दस्तरखान लग चुका है। हुसैन और हुसैन के बाबा खा रहे हैं और जन्नत जो है ना मेरे पाँव के साथ लिपटी हुई है, कह रही है कि मैंने को ये दाल पसंद नहीं है। नहीं है ना, वही तो मैं कह रही हूँ, हालांकि मज़े की दाल होती है। हुसैन बोल रहे हैं, बेटा बोल रहा है मुर्गी हो, कढ़ाई हो, कौरमा हो, बिरयानी हो। हाँ, बिरयानी हो और क्या हो हुसैन बेटा, बताओ जी। बस बिरयानी भी हो साथ। अच्छी बिरयानी लगती है, गुजारा अंडे तले हुए से भी कर लेते हैं और ये भी नहीं खा रही। हाँ जी, देखिए अब बोल रही है कि मैं चने वो साथ पड़ोस से बॉईल किए हुए चने आए हैं काले, वो भी नहीं। चले फिर मैं ख़त्म करती हूँ वीडियो को, जन्नत नहीं ख़त्म कर रही तो वहाँ बैठो वीडियो ख़त्म कर रही है, तो वरना मैं ख़त्म करूँ। चलें जी, ये रेसिपी थी हमारी, आपको पसंद है तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़माने में रखे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।